ओए लकी के बच्चे जल्दी आ। हाँ। ये झूठ पे झूठ बोलकर नकली चिट्ठियां डालने का नाटक कब तक करते रहेंगे हम? हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए राजा, इससे पहले कि हमारे सर पे कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाए। लो जी आ गए। ओए ओए ब्रेक तो मारो। भाई साहब मेरे पास दो बैग है, एक बैग तुझसे लेकर आओगे? टिप तो रखो। पीछे पीछे अन्ना मेरी पैड ही ना आयो ना 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 ना। मैं क्या जी? ये घुमन सिंह राठौड़ जी का कार किधर है? एक मिनट, घुमन सिंह राठौड़ तो मैं हूँ, तू कौन? अंकल जी पैर पकड़ के पैर ही पहना। अरे राजा भैया, राजा भैया आपकी बीवी आ गई है। मेरी बीवी है? जी हाँ, बंतो बेटी आपकी बीवी का नाम है ना? बंतो बेटी, बंतो बेटी। अरे जल्दी कीजिए, आपका इंतजार कर रही है वो। अरे ये कहाँ से टपक पड़ी? लकी चल देखते हैं ये मेरी बीवी कौन है। महाराज फंस गए ना राजा। ये हाथ की पड़ी है, तू झटके से निकालना। तो कोशिश कर रहा हूँ, निकल ही नहीं रहा है। तो उसे वहीं छोड़ दे। कैसे छोड़ दूँ, राइटर है ना तू, चलता के तू एक। अरे भैया हम कैसे आएंगे लेकिन? अरे राजा भैया सुनिए, राजा भैया। अरे ओ भैया वो लेटर बॉक्स लेके कहाँ जा रहे हो? मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, सिर्फ दो बीवी है मेरी। मेरे अराइवल की खबर सुनते ही ये दिलका से की तरह दौड़ते हुए चले आएंगे। कैसे हो जी? हैं? ओ जी ऐसे कूर कूर के क्या देख रहे हो? अच्छा समझ गई, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक यहाँ लैंड कैसे कर गई। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने दो दिन पहले वाले चिट्ठी में भी नहीं लिखा था कि मैं आ रही हूँ। मैंने भी नहीं लिखा था। ओए होए ये क्या हो गया आपको, सुकर कांटा क्यों हो गए हो? लकी भैया रंग भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है ना? नहीं नहीं अभी तक तो ठीक था, आपके आने से बदल गया। कमाल है जी, मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ और आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे। ओ राजा बहू के साथ क्या सड़क पे खड़े रहके बात करेगा, घर में चला। अरे आ रहे अंकल आ रहे, चलो जी। ए ठहरो। हाँ कौन हो तुम, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या? मैं क्या जी, एक पति को अपनी पत्नी से पब्लिकली ऐसे सवाल करना शोभा नहीं देता। पत्नी? कौन सी पत्नी, किसकी पत्नी? नहीं बेटा अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करते। अंकल ये कौन है ऐसे मैं जानता नहीं, इसे तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। अंकल बेटी तू कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहा है, मामला क्या है? अंकल एक महीना मैं इसे दूर क्या रही तो मत बोल, ये मेरे मिस्टर और मैन की मिसेज नहीं रही। मैं पूछती हूँ ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है अंकल, ये अपने आप को मेरी पत्नी कहती है ना, इसे पूछे कोई सबूत है इसके पास? हाँ बेटी तेरे पास कोई सबूत है? ओ जी वेद मंत्र फेरे, ये क्या कम है जो मैंने इनके साथ लिए थे? मक्की दी रोटी सरसों का साग क्या कम सबूत है जो मैंने इनके लिए बनाए थे? बेटी ये सब करते हुए तूने कोई वीडियो टेप उतारा था? टेप? हाँ आजकल उसी से तहलका मचता है। ओ जी टेप गया भाड़ में, सबूत नंबर वन लाइव आपके सामने खड़ी है, सबूत नंबर टू लाइव मेरे सामने खड़ा है। आखिर आप चाहते क्या है कि मैं पुराने हिंदी फिल्मों की तरह ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो अंगूठी मैंने पहन रखी है वैसे इन्होंने भी पहन रखी है और इनके पीठ पे कौन दिल है? नहीं अंकल मैं आज के जमाने की कॉन्फिडेंट लड़की हूँ और मैंने वो क्या कहना पिक्चर भी देखी है, इसलिए देखो जी आप मुझे फुल एंड फाइनल बता दो कि मैं आपकी बीवी हूँ कि नहीं। नहीं हो। अंकल कुआ की तरह क्यों पुत्र प्यास लगी है? नहीं कूदना है। ना पुत्र तू कॉन्फिडेंट लड़की है, ऐसी लड़कियाँ खुद नहीं कूदती, सामने वाले को कूदाती है। कूदा? नहीं अंकल मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है, मैं कूदूंगी। ना पुत्र तेरे कूदने की नहीं खेलने के दिन है। नहीं अंकल मुझे कूदना है। बात मैं तेरी प्रॉब्लम समझ गया, ओए मैं इसको पिछाड़ गया हूँ, ये कौन है? पिछले बहू का सामान उठा और चल अंदर, आ जा चल पुत्र मैं देखता हूँ। मैं क्या जी, कितना सोना कितना प्यारा कितना ब्यूटीफुल कमरा है, खिड़की भी है पहाड़ भी और बगैर फूल वाले झाड़ भी। ए लड़की अभी भी वक्त है, सच सच बता दे तू है कौन। ओ जी इसमें बताना क्या है, सच सच में मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड है। बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह जानता तुम जैसी लड़कियों से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है। ओ गॉड आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं? मैं समझ गई आपने मेरे एब्सेंस में किसी सात आठ टाइम लड़की को रख लिया हमारे बेडरूम में। अयो जी रोने का नहीं, प्लीज डोंट क्राई। थैंक यू लकी भैया। भैया लकी भैया आप तो उनके फ्रेंड हो ना, कम से कम आप तो मेरी हेल्प कर सकते हो, इनसे ये तो पूछ सकते हो ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार।
देखो लाइफ में कभी कभार पत्नी पत्नी ना भी हो तो फर्जी जैसे पत्नी मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए, क्यों मान लेना चाहिए लकी? ओफो डिब्बे भैया, मेरा एक हाथ तुम्हारे मुँह में फंस गया और अगर मेरा दूसरा हाथ पति पत्नी के मुँह में फंस गया तो मैं किस हाथ से खाना खाऊंगा? किसे कहा पति पत्नी, किसे कहा पति पत्नी? देखो मेरा प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, मैं बाहर जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तुम अंदर रह के तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके बाय बाय। लकी तो चला गया। क्यों ना दरवाजे को बंद करके खिड़की पर बैठ के ब्राउन ब्राउन झाड़ियों को देखकर रोमांटिक टाइप की बातें करे। मेरा पैर। You bloody! In 2 minutes you get lost from here. ओए होए! आज तो ब्लडी कब की लॉस्ट ही हो चुकी हूँ। हाथ बंद करा। ये सारा झंझट तेरी वजह से हुआ लकी। ए, मेरी वजह से? मेरे में इतना पावर होता है तो ऐसा खूबसूरत झंझट खुद के लिए ढूंढने लिए होता है? अरे अंकल बनने का दिन सर पे आ गया, अभी तो कोई आंटी मिला ही नहीं। हमको सब पसंद है लेकिन कोई आंटी हमको पसंद है? मैं देखूंगी। राजा ये आंटी छत पे किसको ढूंढता ढूंढता? जरा देखो तो। अयो राजा ये दूसरा वाला आंटी भी छत पे विदाउट अंकल किसको ढूंढता ढूंढता? व्हाट अ लवली। लकी कुछ समझा? समझा समझा, अपनी बहू को देखना चाहती है दोनों की दोनों फैमिली। दोनों की दोनों फैमिलीज, हम दोनों परिवारों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं अपनी बहू से मिलवाने के बहाने। एक दूसरी बात कहूं लकी? क्या? हम ये तरीका अपनाएंगे नहीं। पर क्यों राजा? क्योंकि ऐसे तो ये लड़की बेअकल, बेअदब, बेहया। करेक्ट, बेहया और बदमाश लड़की को मेरी रजामंदी मिल जाएगी, फिर तो ये पत्नी की मोहर लगा के हमेशा के लिए मेरे गले पड़ जाएगी फंदा बनके, फिर कौन झेलेगा इसे? ऐसा अनपढ़ गवार लड़की मेरा डबल एमए एमएससी राजा के लिए कभी नहीं। तू बंदो बेटी, ओ बेटा बरसात में तू क्या खाना कर रही है? अंकल जिन लोगों के दिमाग का पेट ढीला होता ना वही ऐसी हरकत करते हैं। अरे मेरे सर्टिफिकेट्स कहाँ चले गए? अंकल हाँ। अंकल ड्रॉज में मेरे सर्टिफिकेट्स थे, वो किसने ले लिए? मुझसे पूछना तो संगीत के बारे में पूछ, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मैं नहीं जानता। हाँ बंतो बेटी ने शायद कबाड़ साफ किया है, उसको पता होगा। एक्सक्यूज मी, सुनिए वो मेरे सर्टिफिकेट्स ड्रॉज में थे वो तुमने कहाँ रख दिए? अच्छा अच्छा मतलब वो कागज के टुकड़े? कागज के टुकड़े? कमाल करते हो जी, मैं तो आपको बड़ा इंटेलिजेंट समझती थी लेकिन आपको तो इतना भी नहीं पता कि रद्दी को रद्दी की जगह पे रखना चाहिए। रद्दी? अरे उन सर्टिफिकेट्स के पीछे कितनी दिन रात की मेहनत है, कितना संघर्ष है, तुम नहीं समझोगी। तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो बेअकल बेअदब बेवकूफ हूँ, अब मुझे क्या पता कि रद्दी कौन सी और सर्टिफिकेट्स कौन से। तो गुम्मन अंकल के तबले को आज देनी थी तो? नहीं ऐसा नहीं किया ना तुमने? नहीं ऐसा सोचा था कि सर्टिफिकेट्स को आग लगा के, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं किया ना तुमने? हाँ क्यों बताए? देखो जल्दी से बताओ वरना चुटिया पकड़ के गला घोटूंगा मैं तुम्हारा। गुम्मन अंकल भी आ गए। hey! गुम्मन अंकल बंदो की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी चुटिया पकड़ के तुझे हाथ नहीं देती तो मेरा नाम भी राजा नहीं। ए मिस्टर, आप बंतो बेटी के पति हैं क्या? किसने कहा? अरे उन्होंने ही कहा है कि दरवाजे के बाहर जो चपरासी की तरह पहरा दे रहा है वो मेरा पति है। ऐसा कहा उसने? ए मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सिस्टर। जाइए दवाइयां लेके आइए, जाइए। ओके। डोंट वरी, पैर में जरा सी मोच आई है और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब मैं शाम तक ठीक तो हो जाऊंगी ना? अरे शाम तक तो आप माधुरी दीक्षित की तरह डांस करने लगेंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो श्री देवी की फैन हूँ। चांदनी, ओ मेरी चांदनी।